कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो आज फिर से रिकॉन क्वेस्ट के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि कल एक लाल ड्रैगन देखा था और आज उसके दर्शन करने चलने। तो चलो बात कर लेते ट्रैकर से। ट्रैकर कहती है, यू आर बैक जस्ट इन टाइम, वी वर जस्ट कंपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ आवर फील्ड एक्सपेडिशंस एंड वर यू नो द बंच एंड आई रैन इनटू रियल डोजी ऑफ मॉन्स्टर आउट देयर। First, there's the monster I found, a real bona fide raging brachydios, smack dab in the grinding lands. Raging brachydios are incredibly dangerous variant of brachydios known for unusually active nature of their symbiotic slime. And these youngsters happen to spot a furious Rajang out in the Horrorfrost Reach. Bas badhiya hai, brachydios aur Rajang. Furious Rajang, variant of a variant whose fur is always gold and standing on it, dangerous. Doesn't even begin to describe them. Theek hai? Sure is something, isn't it? Both of them are variants that most of us have barely even heard of before. Wo to hai. We were all just talking about how wonderful it would be for posterity to research this monster properly, and then you showed up. So I bet you can guess what I have in mind already. I've already posted the special assignment, so let's go get going. Almost forgot to tell you, I've been following that Rajang Brachydios for a while, trying to get a slime sample. But when it went into the volcanic region, there was something in the air that I felt a little bit off. So I played it safe and came back. Theek hai? Be careful out there, especially if you're if you end up following it back to the volcanic region. Okay. तो यार बेसिकली कुछ और बुरी खबरें लेकर आए हैं ये लोग। सबसे पहले तो कॉन्ग यानी कि एडमिरल का बड़ा भाई यानी कि राजांग, तो उसका एक और वेरिएंट मिला है जो है फ्यूरियस राजांग, जो नाम से ही लगता है कि गुस्से में हो। इसके पास भी कुछ है, इससे ही पूछ लेते क्या है। Did you really find the tundra region in the guiding lands? That's what I heard from the field team leader. Great job. That's awesome. A whole new area. Now it's my time to shine. I can't let you have all the glory. सपने देख रहा है ये। I'm going to comb the tundra region for every bone and ore I can find until I discover a new species of moly. अब ये moly क्या चीज है? Oh, that reminds me. I went a little too nuts on the crafting and have some leftover hot drinks. Here, take this. 11 hot drinks diye isne mujhe. ek hi quest pe collect ho jata hua to, but theek hai. Koi dikkat nahi, complain nahi karunga main. To chalte hain yaar, dekhte hain inke paas apne liye kya kya naya hai. Post new quest mein jaunga. Special assignment. My Rage for All aur Fury Remains. Kaun sa karna hai? चलो माई रेज फॉर ऑल पहले कर लेते हैं। तो बोलते हैं कि रेजिंग ब्रैकिडियोस है, तो यार नाम से ही बड़ा खतरनाक लग रहा है। और उसने खास कर बोला था, एक काम करते हैं, रेजिंग ब्रैकिडियोस अगर यूज़ करना है, क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा ब्रैकिडियोस का जो ब्रैकिडियोस की जो कमज़ोरी थी वो आइस एलिमेंट था, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ रेजिंग ब्रैकिडियोस का भी वही कमज़ोरी होगा। तो एक बार जाकर देख लेते हैं कि फ्रॉस्ट फैंग के चीज़ें क्राफ्ट करने के लिए और कितना और कितनी चीज़ें लगेगी। फ्रॉस्ट फैंग का ग्रेट स्वॉर्ड चाहिए मेरे को, देख लेता वो यहीं पे। फ्रॉस्ट फैंग टिकट एक और चाहिए और सिल्वर वाइट फ्रॉस्ट फैंग एक और चाहिए। ठीक है, मिल सकता है, एक ही क्वेस्ट में मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैं जाके चेक करूँगा कि कोई फ्रॉस्ट फैंग को हंट कर रहा है कि नहीं। पोस्ट नहीं, ज्वाइन। नाइस रिस्पॉन्स। इवेंट्स में देखते हैं। अरे यार बहुत सही, कन्वीनियंट है, तो यार ज्वाइन कर लूँगा मैं इसको जल्दी ही। बहुत सही, कोई तो भी चाइनीज़ बंदा है यार, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ मॉन्स्टर हंटर जल्दी डाउनलोड करो, ताकि चाइनीज़ लोगों के साथ ना खेलना पड़े फिर से। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि चाइनीज़ लोगों की बातें समझ में नहीं आती, बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रेसिस्ट हूँ। चलो ठीक है,
क्वेस्ट लोड होने देते हैं। अच्छा, क्वेस्ट लोड होने से पहले सबसे पहले जाके मैं यहाँ पर बैठ के खाना वगैरह खा लूँगा। और मिसो सूप पीते हुए, मिसो सूप तो जापानीज हो गया, अब चिकन सूप पीते हुए चलो चल लेते बैरियोत के हंट पे। कितना टाइम लगेगा लोडिंग का भाई? गेम को एसएसडी में इंस्टॉल करना चाहिए था मुझे, बट मैंने एचडीडी में कर दिया। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो माइट सीड खा लूंगा मैं एक, और उसके बाद मैं देखता हूँ। ओके, बहुत सही, हॉट ड्रिंक्स नहीं है मेरे पास। आइटम बॉक्स में जाऊँगा, क्राफ्टिंग लिस्ट नहीं, मैनेज आइटम्स में जाऊँगा, और कोल्ड ड्रिंक्स की जगह अभी मैं भर लूँगा हॉट ड्रिंक्स। बहुत सही, तो देखते हैं फ्रॉस्टफैंग कहाँ पर है। फ्रॉस्टफैंग यहाँ पर है और यहाँ के आसपास। बहुत सही, यहाँ के आसपास कोई दूसरा कैंप ही नहीं है यार, बंदे ने कुछ खोला ही नहीं, कितना यूजलेस बंदा है ये। चलो चलते फ्रॉस्टफैंग की तरफ। मैं पार्कौर क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट खैर आगे बढ़ते। बैनबेरो को फुटप्रिंट्स है यहाँ पर, बट मुझे बैनबेरो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फ्रॉस्टफैंग। विग्लीलिच खा लेता हूँ ताकि स्टैमिना बरकरार रहे। आवाज ही आ रही है फ्रॉस्टफैंग के दहाड़ने की। दूसरे बंदे ने स्विच एक्स पकड़ रखा है और एक और बार और ये बूम। सबसे पहले तो इसके हाथों को करेंगे टेंडराइज। बढ़िया, बंदे ने टास्क समझ लिया। कोई दिक्कत नहीं, अरे बाप रे, बंदे को गाजल आकाश ने जहर दे दिया है। नहीं नहीं, बहुत ही बुरा टाइमिंग था वो, समझ जाना चाहिए था मेरे को। तो देख ही रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी हिट्स वगैरह है वो बरकरार रखूँ उसके इंजर्ड वाले हाथ। अरे भाई, हिट छूट गया, फिर से छूट गया। वो ना भागने के अलावा कुछ कर नहीं रहा। अरे यार, हवाई हमला रह गया। जल्दी से जल्दी से, ऐसे चार पांच हवाई हमले देता रहूंगा तो एक ना एक बार तो फंसेगा ही वो। चाइनीज बंदा एक बार मर चुका है, जस्ट लाइक चाइनीज चीजें, वो भी ज्यादा देर टिका नहीं। टिक
दिखता भी कैसे मेड इन चाइना जो था। चल 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 मार इसको। बहुत सही। और ये ट्रू चार्ज स्लैश, यार पार्ट ब्रेक नहीं मिला मेरे को। नहीं यार मिस हो गया। बढ़िया, अच्छा डॉज था वो। दीवार के अंदर क्लिप हो रखा हूं मैं, लेकिन टेंडराइज नहीं भूलूंगा। गया मैं, गया मैं, गया मैं। बहुत सही। अरे नहीं नहीं फिर से गया मैं। चलो ठीक है, ज्यादा खतरनाक अटैक नहीं था वो। ओहो किसी ने फंसा दिया उसको। नहीं यार बहुत सही, शूट कर उसको। नाइस, देख ही सकते हो यार मुझे अभी तक पार्ट ब्रेक नहीं मिला है तो उसके जो सारे मूव से। ओहो पार्ट ब्रेक मिल गया, बहुत सही। एक और पार्ट ब्रेक मिला, नाइस। ये बंदा अटक गया था शायद। धार नहीं करना मेरे को, मेरे को हेल्थ लेना है। नाइस, चलो अच्छा थोड़ा बाहर ले गया इसको। इसकी पूंछ भी काटनी है मेरे को भी। स्टैमिना खत्म है मेरा। ओहो कोई तो भी पूछ काटा भाई, देखो इसको 11th आर नाम है बंदे का। कैप्चर कर सकते हैं। बहुत सही हंट मजेदार था।
एनिमेशन एकदम सिंक हुए। चलो बढ़िया यार, फ्रॉस्टफैंग की टिकटें मिल गई, वो भी 3, बहुत सही। फ्लाइट इवेजन बढ़िया है, ज्वेल वगैरह अच्छा है। फ्लाइट ज्वेल से अगर फ्लाइट इवेजन मिला तो ग्रेट स्वॉर्ड के लिए बहुत अच्छा ज्वेल है, क्योंकि हवाई अटैक बहुत ज़्यादा अच्छे से डैमेज कर सकती है। तो चलो यार, ये हुआ तो सबसे पहले मैं जाऊँगा और अपना वेपन चेंज करूँगा। तो समझ ही गए कि मैं क्या क्राफ्ट करने वाला हूँ। फोर्ज इक्विपमेंट, वेपन्स, ग्रेट स्वॉर्ड, और मुझे चाहिए फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ का ग्रेट स्वॉर्ड, ये वाला। तेरा ग्रेट स्वॉर्ड तैयार है अपना, इक्विप करना है। यस, आई विल इक्विप नाउ। और देखते हैं इसके साथ मैं क्या क्या बिठा सकता हूँ अपने डेकोरेशंस पे। ओके, डिस्ट्रॉयर इवेशन है, ठीक है, इवेशन है, ठीक है। सैटिएटेड इवेशन मुझे नहीं लगता इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ 25% ऑफ द टाइम एक्टिवेट होता है ये। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा ना, जो नया वाला ज्वेल मिला था, क्या नाम था उसका, फ्लाइट इवेशन, उसको मैं कर लूँगा इक्विप। नाइस, रिफ्रेश चार्जर, स्टेडफीस तो सही है, फोकस चाम भी है। तो यार ये मैंने कर लिया इक्विप। तो अभी चलते हैं ब्रैकिडियोस को मारने, क्योंकि राजांग को ऑलरेडी मार चुके हैं, राजांग को मारने का अभी इतना फ़ायदा नहीं है। तो चलो चलते हैं ब्रैकिडियोस को मारने, रेजिंग ब्रैकिडियोस को, एंड द रेज फॉर ऑल, ठीक है। तो इसको कर देता हूँ मैं सेट एज यूजुअल। सबसे पहले मैं करने जाऊंगा मील, मील के बाद देखूंगा अपने क्या कहते हैं, इन्वेंटोरी फुल है कि नहीं, ठीक है, और फिर चल देंगे यार रेजिंग ब्रैकिडियोस की बजाने, अगर बजा पाए तो। ये कैंप नहीं था यार, मेरे को शुरू के कैंप में जाना है, इस वाले पे। नाइस, ओहो जरा हैंडलर को देखो यार, कतई दुल्हन बन के बैठी है यहाँ पे। खैर अच्छी लग रही है, लेकिन हैंडलर को नहीं देखना, रेजिंग ब्रैकेट उसको ढूंढने जाना है अभी। और ये चलो अच्छा है। यार ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं लग रहा, लग जा। नहीं यार, भाई ये कैसे स्लाइम है इसके, अरे यार मैं बिल्ले का कितना भी यार कुछ भी बोलो, बिल्ला MVP है मैच का। ओके, इसको गुस्सा आ चुका है भाई, ये क्या था, ये क्या था, ये अटैक्स ब्रैकिडियोस के नहीं थे यार। नहीं 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 नहीं, इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा है मेरी। अच्छा डॉज रोल था वो, भाई साहब क्या है ये, यार ये इंस्टेंटली फट गया यार। मुश्किल है इसको मारना, मुश्किल है, नहीं मुश्किल है,
रिमोट क्यों मार रहा हूँ मैं, मेरे को पोशन पीना था। बढ़िया डॉज रोल। बढ़िया इवेड। इवेजन था ही नहीं वैसे, वो पीएससी कोड काम करता है इसके सामने। ओहो बहुत बहुत सही। नहीं नहीं नहीं, ओके हाई। इसकी पूंछ भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि नॉर्मल ब्रैकिडियोस की पूंछ ऐसे नहीं करती थी। सही टाइम पे मैंने डॉज किया वो। यार ये क्या था, नहीं यार नहीं यार नहीं यार, ना ना भाई, इसको मारना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पहले तो मैं पूरा, अरे यार वो ऊपर चढ़ा उसमें भी मेरी हेल्थ गई, ये क्या बात हुई। बहुत सही बहुत सही। अच्छा वो वहां से मैंने डायरेक्ट छलांग लगा के मारा। सच कहूँ तो मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था वो छलांग इतनी सही जाएगी करके, लेकिन एकदम उसके पीठ पे लैंड किया मैं, और एक ही बात में थ्रेशोल्ड खत्म। क्या चार्ज अटैक नहीं, क्यों यार, ये सही नहीं लगता, ये सही नहीं लगता, मौका ही नहीं है इसको मारने का मेरे पास। ना ना भाई, कोई नहीं, पहले दो बार जब मैंने उसको पे कहीं पे भी अटको, मेरे को डैमेज जा रहा ही जा रहा है। इसको फ्लिंच शॉट करना है। क्यों क्यों, मैं था भी नहीं, मैं उसके सर के ऊपर था। ट्रैकर ने बोला था इसका फ्लैश पॉइंट स्लाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बढ़िया लग जा, नाइस। तो तीसरे को मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा ही था कि वो जागने ही वाला है। बाप रे शांत भाई, क्या रेंज है वो। हट गया मैं क्योंकि मुझे पता था इसका रेंज कुछ उल्टा सीधा ही होने वाला है। आधे टाइम तो मैं हेल्थ ही पिए जा रहा हूं, लड़ाई कम हो रही है।
बढ़िया। नहीं, वन शॉट यार, वन शॉट। मेरी आधी से ज्यादा हेल्थ थी उधर पे, आधी से ज्यादा हेल्थ थी मेरी। ऑफकोर्स इसके लिए ग्रेट स्वॉर्ड से काम नहीं चलेगा, इसके लिए मेरे को चाहिए लॉन्ग स्वॉर्ड। इसके लिए लॉन्ग स्वॉर्ड उठाना पड़ेगा मेरे को। चेंज इक्विपमेंट, ऑल्ड्रोरियंस एज, आइटम बॉक्स, मैनेज आइटम्स, सब कुछ रिप्लेनिश कर लेता हूँ एक बार। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं भूल रहा हूँ शायद, चेंज इक्विपमेंट में जाके चार्म भी चेंज कर देता हूँ मैं। सीथ चार्म तो नहीं चाहिए, शेवर चार्म चाहिए। नाइस। अभी फ़िलहाल खाना वाना खा लेता हूँ। बहुत सही, खाना भी नहीं खा सकता मैं तो। यार एक और तरीका है हेल्थ और स्टैमिना फुल करने का। तो मेरे पास सबसे पहले मैक्स पोशन था, अब मैं तुम्हें मतलब बताऊंगा एंशिएंट पोशन के बारे में। तो एंशिएंट पोशन बेसिकली मैक्स पोशन और कुछ तो भी गॉड बग को मिलाने से बनता है, गॉड बग या फिर कुछ तो भी दूसरा एलिमेंट है गेम का। तो उससे क्या होता है ना, एक बार खाओगे बेसिकली मील का काम करेगा, हेल्थ और स्टैमिना फिर से मैक्स आउट कर देगा। तो वो रहता है फार कास्टर पे लगा के डालता हूँ मैं। सबसे पहले पूछ चुका हूँ टेंडर आई। बहुत सही, पैरों को करूंगा टेंडराइज। वो साइड नहीं, फटने वाला है। क्या था वो, क्या था वो? अरे यार मेरी हेल्थ फुल थी, यार मेरी हेल्थ फुल थी, मैंने फोरसाइट किया था उसको। लगता है शायद ये पहली बार ऐसा होने वाला है कि मैं पूरे गेम में तीन बार मरने जा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से कोशिश करेंगे। डर नहीं लगता मेरे को, कुछ भी हो जाए, हार तो नहीं माननी है यार मुझे। बहुत सही, यार इसका रोर भी कितनी देर बाद आता है। ये क्या है, नहीं 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 नहीं, भाई अपना आर्मर बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इस आर्मर से मुझे नहीं लगता मैं इसको झेल पाऊंगा। स्टैमिना खत्म है, हेल्थ भी ऑलमोस्ट खत्म है। मैंने फोरसाइट किया था यार, थोड़ा रुक जाता हूँ ताकि आई फ्रेम लग जाए वो। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, ना तो मेरे को हिटबॉक्स लगा ना कुछ। खैर कोई दिक्कत नहीं, कोशिश अच्छी थी, फिर से कोशिश करेंगे। चलो कोई बड़ा चैलेंज आया है, चार पांच बार मरने वाला हूँ मैं इस पे, कोई दिक्कत नहीं है,
आर्मर अपग्रेड करूंगा, फिर से लड़ूंगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने फ्रॉस्टक्राफ्ट वाला आर्मर पहना है, मुझे डैमेज ज़्यादा लग रहा है। तो चलो चल के देखते हैं कि कौन सा तो भी आर्मर है जो ब्रैकेट ही उसके अटैक से ज़्यादा डैमेज दे सकता है, या फिर जो ब्लास्ट रेजिस्टेंस हो। फोर्ज आर्मर, आर्मर में जाके देखूंगा। 162 है इसका फ्रॉस्ट फैंग का, और भी देखते हैं। जिनोगर का 158 है, स्टीजियन जिनोगर का 160 है। ब्लास्ट रेजिस्टेंस के लिए कोई स्किल है कि नहीं मैं देखता हूँ। ब्लास्ट रेजिस्टेंस भाई आर्मर भी मिला तो डोडो गामा का मिला, और ब्रैकेट ही उसके आर्मर में कुछ ब्लास्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन इसका क्या कहते हैं जो डिफेंस है वो बहुत कम है। ब्रैकेडियोस अल्फा में थोड़ा ब्लास्ट रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ अल्फा को मैं क्राफ्ट कर लूँगा फिलहाल के लिए, देखेंगे एक बार क्या रहता है क्या नहीं, ठीक है। और कोई तो भी मुझे डिफेंस के थ्रू चाहिए। शाहरा इशवालदा का सबसे ज़्यादा डिफेंस आ रहा है, तो अल्फा में मेरे को हेल्थ बूस्ट भी मिल रहा है, पार्ट ब्रेकर भी मिल रहा है, बीटा में मेरे को ओके सिर्फ वेस्ट पीस में मेरे को क्या कहते हैं हेल्थ बूस्ट मिल रहा है, तो मैं ये ले लेता हूँ। इक्विप नाउ नहीं चाहिए। क्विक शीथ की मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है। अटैक बूस्ट मेरे को फ्रॉस्ट फैंग के इससे मिल रहा है, इसमें भी अटैक बूस्ट है, तो एक ही फ्रॉस्ट फैंग टिकट यूज़ हो रहा है। सोच ही रहा हूँ कि ले ही लूँ इसको, ले सकता हूँ वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ले ही लेते हैं। इक्विप नाउ नो। क्विक शीट की मेरे को ज़रूरत है, तो क्विक शीट के लिए ढूंढते हैं, मेरे को स्किल्स में देखता हूँ क्विक शीट कहीं पर होगा क्या। ब्लाइट रेजिस्टेंस, ब्लाइट रेजिस्टेंस के लिए भी आर्मर देखता हूँ। नैमियल का जो है उसमें ब्लाइट रेजिस्टेंस मेरे को लेवल 2 तक मिल रहा है, नैमियल बीटा में लेवल 1 तक ब्लाइट रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। बाकी तो किरीन में मेरे को ब्लाइट रेजिस्टेंस लेवल 2 तक मिल रहा है, तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन डिफेंस थोड़ा कम हो जाएगा। स्टैमिना सर्ज है इसमें और ब्लाइट रेजिस्टेंस 1 है, हाँ ठीक है ठीक है। तो चलो आर्मर पहनते हैं, सबसे पहले आर्मर कस्टमाइज करेंगे इस बार। चेंज इक्विपमेंट में जाऊंगा, तो यार इक्विपमेंट चेंज क्या था मेरा, फ्रॉस्ट फैंग तो मैंने इक्विप कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मुझे करना था ब्रैकिडियोस के आर्म्स, जिसमें मेरे को 1 पॉइंट ब्लास्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, राइट। और इसमें मेरे को करना था ब्लाइट या फिर हेल्थ बूस्ट लूँ। ब्लाइट तो मैं ले सकता हूँ, हेल्थ बूस्ट मैं भर ही लूँगा, क्योंकि ब्लास्ट रेजिस्टेंस मेरे को मिल रहा है। चलो ब्लाइट रेजिस्टेंस ही फिलहाल उठाते हैं, क्योंकि 162 154, हाँ स्लॉटेज भी ठीक ही है, चलो किरीन का ही उठा लेते हैं। नेक्स्ट में राइम गार्ड की जगह डेमास्कस है मेरे पास, तो डेमास्कस बेसिकली मैंने ऑफ स्क्रीन खेलते खेलते ही बनाया था, खास आर्मर नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से बन जाता है, तो इसमें थोड़ा डिफेंस बूस्ट मेरे को मिल रहा है, राइट। तो चलो यही उठाता हूँ मैं, डेमास्कस, ठीक है ये हो गया। एक बार मैं हेलमेट में भी देख लेता हूँ कोई कुछ और है कि नहीं। ईवेड विंडो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन 138 है इस पर, इसमें डिवाइन ब्लेसिंग मिल रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग यूजुअली चांसेस रहते हैं कि जो डैमेज है उसको थोड़ा कम कर दे, तो यार डिवाइन ब्लेसिंग तो ज़रूरी है। क्या उठाऊँ, चलो डिवाइन ब्लेसिंग उठाकर देखते हैं। अगर डिवाइन ब्लेसिंग का मेरे पास क्या कहते हैं डेकोरेशन हुआ तो वो अलग से लगा दूंगा, ठीक है। तो इन सबको सबसे पहले तो मैं हटाऊंगा, तो देखते क्या क्या है मेरे पास। मेरे पास है अटैक बूस्ट, डिफेंस बूस्ट, ब्लाइट रेजिस्टेंस, डिवाइन ब्लेसिंग, ब्लास्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो सबसे पहले तो यार ब्लास्ट रेजिस्टेंस लगाना है मेरे को। स्किल्स में जाऊंगा, ब्लास्ट रेजिस्टेंस, एंटी ब्लास्ट ज्वेल। तो ब्रैकेडियोस के आर्म से सिंगल पॉइंट मिल रहा है, बाकी मैंने 2.12 से लगा लिया, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं ब्लाइट रेजिस्टेंस, मुझे सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए ब्लाइट रेजिस्टेंस का, तो मैं वो लगा दूंगा। स्किल्स में जाऊंगा और ब्लाइट रेजिस्टेंस, बहुत सही,
रजिस्टर ज्वेल लगा दिया मैंने, तो ये हो चुका है। अब हेल्थ बूस्ट भर लूँगा मैं, स्किल्स में जा कर के हेल्थ बूस्ट, वाइटलिटी इस पर भरा, राइट। और क्या हो सकता है, चार्जर वाइटलिटी, चार्जर की ज़रूरत है मुझे, चार्जर की ज़रूरत नहीं है मुझे, वो बाद में देखते हैं। पहले तो ईविड विंडो भर लेते हैं, कहाँ गया मेरा ईविड विंडो, ईविड विंडो राइट। डिस्ट्रॉय इवेजन चाहिए, इवेजन नॉर्मल भी चाहिए, फ्लाइट नहीं चाहिए, शीत इवेजन अच्छी चीज़ है। और क्या है लेवल टू के लिए, कुछ है या नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्राइसिस इवेजन, अगर मेरे को कुछ क्या कहते हैं ब्लाइट वगैरह लगता है तो ये उसके लिए क्राइसिस इवेजन है मेरे पास। एक और ईविड विंडो भर लेता हूँ, पूरा ही भर के जाऊँगा इसके लिए। तो मैं फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड जब भी मैं मरता हूँ तब 10% डैमेज बढ़ता है, 15% डिफेंस बढ़ता है, चलो इसको भी भर ही लेता हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भरते हैं, ठीक है। लास्ट में जितने भी है सब हेल्थ बूस्ट से भर देंगे। कहाँ गया हेल्थ बूस्ट, दिक्कत ये कि हेल्थ बूस्ट में यार जो भी है बहुत कम कम क्या कहते हैं अच्छे ज्वेल मतलब है ही नहीं हेल्थ बूस्ट में भरने के लिए। तो चलो इसमें भर दिया मैंने वाइटैलिटी, इसमें भी भर दिया मैंने वाइटैलिटी, ठीक है। तो ये हो चुका है। तो जितने भी आर्मर है उसका रॉ डिफेंस भी मैं इंक्रीज करने वाला हूँ अभी, क्योंकि मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। ब्रैकेट यूज मुश्किल लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। तो देखो यार ट्रू आर्मर स्पीयर आ चुका है अपने पास, उसको अभी यूज़ नहीं करना मेरे को। 3, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, इसके तो डायरेक्ट 10 ही लगा सकता हूँ मैं, 174, इसके भी 10 लगा देता हूँ। मैक्स लेवल है इसका 186, तो 186 तक अभी जाना नहीं है। एक काम करते हैं, देखते हैं कैलकुलेट करके कि किसमें कितना ज़्यादा अपग्रेड चाहिए, ठीक है। इसमें 162 है और मेरे पास 15 पीसेस है, तो 15 को मैं 4 भाग में तो डिवाइड नहीं कर सकता, 5 भाग में डिवाइड करूँ तो सबके लिए 3-3 बनते, तो किंग आर्मर स्पीयर इसमें मैं 3 यूज़ करूँगा, ठीक है। अपग्रेड बहुत सही, इसमें भी किंग आर्मर स्पीयर 3 पीस यूज़ करूँगा, ये भी सही है, 3 पीस इसमें भी, इसमें भी 3 पीस। बचता है कुछ और, वेस्ट पीस बचता है शायद, हेलमेट बचता है, चलो हेलमेट का भी कर ही देता हूँ, क्या ही है, 3 पीस, ठीक है। तो ये हो चुका है यार अपग्रेड, तो ये हो चुका है। बाकी इसमें मैं 10 पीस लगा देता हूँ, 170 हुआ है अभी, और 40 पॉइंट और चाहिए ना, तो 20 के 2 लगा देता हूँ, चलो 172 तक इसका डिफेंस पहुँच चुका है, 172 मैक्स डिफेंस है इसका, ओके बहुत सही। इसको देखते हैं, 10 लगा ही देता हूँ, क्या ही है, 10 नहीं लगाऊंगा यार, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा वैसे, 4 लगाता हूँ, 4 पीसेस लगाता हूँ इसमें 10 पीसेस, चलो 20 पीसेस में मैक्स हो रहा है, और 80 लेवल पे चाहिए, चलो पूरा ही कर देता हूँ इसको मैक्स। इसमें भी 172 है जो इसका मैक्स डिफेंस है। एल्डर ड्रैगन के डिफेंस कम जा रहे हैं और नॉर्मल के ज़्यादा जा रहे हैं, बताओ। तो 3-4, इसमें भी 4 लगा दिए। तो यार मुझे इन जेम्स की परवाह नहीं है, क्योंकि ये तो मैं फिर से टाइग्रेक्स को मार करके उठा ही लूँगा। चलो 178 हो गया इसका, ठीक है, ये है। इसका थोड़ा कर लेता हूँ, इसका 154 है, बहुत कम है, 8 के 8 लगा दूँगा, 10, 166 है, थोड़े और लगाना पड़ेगा, 170 हुए, ठीक है, इसका भी इतना है, इसका और बढ़ सकता है लेकिन अभी इतना ही रखना चाहूँगा मैं। डमास्कस 162 ऑलरेडी है, 170 एक बार में हो जाएगा इससे, ट्रू आर्मर स्पीयर से, चलो यूज़ कर लेते हैं, बाद में देखी जाएगी चीज़, ठीक है। तो चलो यार ये भी यूज़ कर लिया मैंने,
अब वक्त है ब्रैकिडियोस से फिर से लड़ने का। कहा था ना मैंने, हार नहीं माननी है मेरे को किसी भी तरीके से। पोस्ट निक्वेस्ट में जाते हैं, मास्टर रैंक, स्पेशल असाइनमेंट एंड माय रेज फॉर ऑल। कैंप वन लोडिंग होते होते मैं खान पान कर लेता हूँ ज़रा। मैनेज आइटम्स, सब कुछ रीस्टॉक्ड है, बढ़िया है। जल्दी क्वेस्ट लोड हो जा, किस चीज़ की दिक्कत है। तो यार जो चीज़ें करने वाला हूँ मैं, पहले सबसे पहले तो इसको खुद ही एक बार ट्रैप में फंसा दूंगा, ताकि इसके दोनों पैरों को मैं टेंडराइज कर सकूँ। नहीं तो बार बार मुझे इसके हाथों पे हिट करना पड़ेगा, और हाथों पे हिट करना सबसे प्रॉब्लम वाली बात है। प्रॉब्लम वाली बात ये है क्योंकि गेम का डिज़ाइन ही ऐसा बनाया गया है, मॉन्स्टर का डिज़ाइन ही ऐसा है कि हाथों पे मारूंगा तो उसके क्या कहते हैं, लावा ड्रॉपलेट्स गिरेंगे और वो कभी भी ब्लास्ट हो जाते हैं। मतलब इसको सही वीक पॉइंट पे मार भी नहीं सकते, ये हाल है। देखता हूँ मेरे पास है, नहीं नहीं है। कैप्चर नेट्स उठा लेता हूँ मैं, आइटम बॉक्स में जाऊँगा, मैनेज आइटम्स और चलो कैप्चर नेट, बढ़िया। कैप्चर नेट रेडी है। तो सबसे पहले कैप्चर तो नहीं कर सकता, सबसे पहले तो मैं इसको स्टन करके टेंडराइज कर दूंगा, ठीक है, और उसके बाद इसको वॉल बैंक दूंगा। पहला पैर, दूसरा पैर, कैसे यार ये चीज, ये आधी चीजें मेरे को समझ नहीं आती, इसकी हिटबॉक्सेस कब खत्म हुए। बढ़िया, तो ये हुआ। देख रहे हो अभी ब्लास्ट रेजिस्टेंस लिया ना मैंने, और ब्लाइट रेजिस्टेंस भी लिया, तो मेरे को उसके ब्लास्ट ब्लाइट लग नहीं रहे। ओ लेकिन नॉर्मल डैमेज लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे शार्प नहीं भाई, पोशन पी ले। ये क्या था, ये क्या था, भाई साहब ऐसा लग रहा है इसको एक और बार टेंडराइज कर सकता हूं। सही है। अरे भाई इतने छोटे से गैप में यार, मेरी किस्मत ही इतनी खत्म है यार, सही बता रहा हूं। थैंक्स मिल ले जल्दी। गलत टाइम पे फोरसाइट किया मैंने। क्या
क्या था ये? ऑफ कोर्स लास्ट टाइम अगर तुम्हें याद होगा इसके वही हवा वाले अटैक से ही मैं मरा था। पता नहीं यार क्या है ये, कुछ ज्यादा ही बुरी बला ये, सही बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा। हनी ले लेता हूं मैं, डर लग रहा है मेरे को इससे, सही बता रहा हूं। रजांग से इतना डर नहीं लगा था जितना इससे लग रहा है। कहां गया ब्रैकिडियोस यार? अच्छा नीचे है, ओके यहीं से ही कूदा था वो लास्ट टाइम जितना मेरे को याद है। देख ही सकते हो यहां पर, इसके छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह भी उठा लूंगा मैं, ताकि एटलीस्ट स्मिथी के पास कुछ तो मिल जाए मेरे को। नहीं यार, एक शॉट मार, बढ़िया, बहुत सही। बड़ी अजीब सी शॉट है यार, कहीं से भी कभी भी कुछ भी निकल रहा है। बस एक बार टेंडराइज करना है इसको। एक और बार, क्योंकि इस बार रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। बहुत सही, जल्दी से हेल्म ब्रेकर। यार कैसी डिफेंस है इस पे, धन्यवाद बिल्ले, बहुत बहुत धन्यवाद बिल्ले। कॉम्बो कंप्लीट, नाइस। बहुत सही, सही टाइम पे लाई स्पिरिट स्लैश था वो। अरे यार कैसे यार, इसके हर शॉट जो है वन शॉट कर रहे हैं मेरे को। नहीं गलत गलत डॉज रोल था। फोरसाइट, बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, अब वो वॉल्केनिक एरिया में जा रहा है। तलवार की धार कम हो चुकी है, उसको बढ़ा लूंगा मैं सबसे पहले। तो स्लिंगर टॉर्च ये भी सीख है। फ्लैश पॉइंट स्लाइम्स ही मिल रहे हैं मेरे को लूट में, तो कुछ खास है भी नहीं है। तो सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक नहीं है मेरे पास, सारी चीज़ें एक ही बार पे। चिल्शूम उठा लिए मैंने,
तो दो कोल्ड ड्रिंक्स बन जाने चाहिए अभी तक तो। नाइस, तो चलो उसको एक 150-150 का डैमेज जा रहा है तब तक जब तक वो ज्वालामुखी में खड़ा है, तो जाने देते तब तक का डैमेज। इधर देख, इधर आ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी एग्रो ही है। मैं उसको बहुत सही बचा मैं वहां पे। लावा में पैर नहीं रखना, लावा में पैर नहीं रखना। अरे यार भाई, हल्का सा टकरा भी जाऊं इसकी पूंछ से तो भी मेरे को डैमेज जा रहा है। एक बार तो टेंडराइज करना है इसको। एक, दो, और ये बूम। बहुत सही, मौका मिलते ही हेल्म ब्रेकर। बढ़िया, फोर साइड की परवाह नहीं की मैंने क्योंकि वो कॉम्बो वैसे ही कंप्लीट होने वाला था। मुझे पता है तू क्या करने वाला है ब्रैकिडियोस। ऑफ कोर्स, सबसे बुरी बात पता है क्या लगती है? ये लगती है सबसे बुरी बात। उसने आगे की तरफ मारा, उसके पूंछ से मेरे को डैमेज किया। वो टच कर ले यार, मेरे को डैमेज पड़ रहा है। बस प्लीज, एक बार बस। नहीं यार, स्टैमिना भी देख सकते हो यार कितनी ज्यादा जल्दी खत्म हो रही है। नहीं, मैं फोरसाइट लगाने वाला था वहां पे। बस 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 जल्दी से मैक्स पोशन कर लेता हूं यार। इवेजन विंडो, बहुत सही बहुत सही, यही मौका है। चांस लेना पड़ा यार मेरे को। खैर फिर से कोई दिक्कत नहीं। हाथ चाट रहा है वो फिर से अपने। ओके, इसको शायद फिर से एक और बार मैं बॉल बैंक दे सकता हूं। ये एक, ये दो, और ये और ये और ये बूम। बहुत सही बहुत सही, जल्दी से जाता हूं पास में।
हेल्म ब्रेकर। नहीं यार, गलत टाइम पे मैंने फोरसाइट दिया। बढ़िया, ज्वालामुखी आ रही है अभी, उसको थोड़ा और डैमेज पड़ेगा वहां से। इधर ब्रैकिडियोस, तो यही है यार, कभी कभी एनवायरनमेंट का भी इस्तेमाल कर। अरे नहीं, क्या है ये? लग जा अभी, बहुत सही। तो नहीं नहीं नहीं, ओहो बच गया, बहुत सही। बढ़िया, एटलीस्ट एक सवारी मिली यार, ये सवारी जाने नहीं देना है, बस बस एक बार सर पे इसके पूरा कॉम्बो उतारूंगा मैं। देख रहे हो कैसा पागल हो रहा है ये, फालतू में इसका नाम रेजिंग ब्रैकिडियोस नहीं है। इतनी मुश्किल है एल्डर ड्रैगन को मारने में भी नहीं आई मेरे को, जितनी इसको मारने में आ रही है। एक हेल्म ब्रेकर, प्लीज 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 गेम, प्लीज गेम। अरे भाई नहीं यार, किस्मत ही खराब है, सही बता रहा हूँ, किस्मत ही खराब है, शायद दिन भी खराब नहीं है। ओके लास्ट उसमें वो जा रहा है वहाँ पे, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं तो अपने कैंप में निकल लूँगा और पूरे आइटम्स वगैरह रीस्टॉक करके आऊँगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इसको ऐसे लड़ सकता हूँ। आइटम्स मेरे को वापस चाहिए, आइटम बॉक्स, मैनेज आइटम, लोड आउट टू, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है, वो सब है, बाकी सब है, ठीक है। एक सेकेंड, मैनेज आइटम में जा करके वेट फिश, फीन, सुशी फिश स्केल, मेरे को स्टैमिना बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए लेकिन कुछ है नहीं मेरे पास। डस्ट ऑफ लाइफ, और क्या क्या है, और क्या क्या है, रेशन है मेरे पास, चलो रेशन कर लिया मैंने रिप्लेस, देखते हैं स्टैमिना और थोड़ा सा बढ़ सकता है कि नहीं। लगाई था स्टैमिना थोड़ा सा कम हो गया था मेरा एज यूजुअल। ओके ज्वालामुखी में फिर से जा रहे हैं, फिर से कूल ड्रिंक पी के चलेंगे, हर्ब्स वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ यार, क्योंकि एक तो वैसे ही ख़त्म था मैं ऑलरेडी, और अभी फिर से इससे लड़ने जा रहा हूँ तो और ख़त्म होना ही है मेरे को। और अगर तुमको याद होगा कि जो ट्रैकर थी उसने बोला था जैसे ही वो वॉल्केनिक रीजन में पहुँचा तो कुछ तो भी अलग होने लगा, अगर तुम्हें याद होगा तो, राइट। तो ये आ चुके हैं वॉल्केनिक रीजन में, देखते क्या अलग करने वाला है ये। इससे पहले कि कुछ अलग करे, कर देते हैं इसको टेंडराइज। नहीं यार, फोर साइड करना था वहां पे। अरे भाई साहब, तो क्या हो रहा है? नहीं भाई, ये गलत है, ये गलत है। ये गलत है। लेकिन ये है कि इसके ब्लास्ट अभी फट नहीं रहे भाई। लेकिन लगातार हेल्थ कम कर रहे हैं।
करके आइए। नहीं नहीं भाई, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, फिर से वो वही मूव करने वाला है। ओके, एक हेल्म ब्रेकर प्लीज 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 गेम। नहीं 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 नहीं, ओके यार, ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा यार, क्या बकचोदी है ये। बढ़िया, उससे उसको भी डैमेज पहुंची। ना ना ना, यहां रुक नहीं सकता मैं, लिटरली लावा है ये, लिटरली लावा है ये। उसके ऊपर मैं हुक भी नहीं मार सकता। एजिटेटर ऑफ हो चुका है, कुछ इस पर फेंकने के लिए मेरे को ढूंढना पड़ेगा, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। थोड़े क्रिस्टल बस्ट है, इसको एक बार मैं वॉल बैंक कर सकता हूँ। ये एक और ये दो, वॉल बैंक प्लीज प्लीज प्लीज। नाइस 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 नाइस, जल्दी से जाना है, हेल्म ब्रेकर मारना है। नहीं भैया नहीं, बहुत सही, थैंक्स बिल्ले, एकदम अखंड टाइम पे। एक दो तीन चार पांच, डॉज। नहीं 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 नहीं, साइड डॉच। खत्म, बच गया मैं भाई, ये चमत्कार है। अभी खत्म होने वाला हूं मैं, अभी खत्म होने वाला हूं मैं। कहा ही था, कहा ही था, लगा ही था मेरे को।
यार ये जो लास्ट अटैक है वो मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगता। कतई प्लेयर के साथ चीटिंग है ये, कतई प्लेयर के साथ चीटिंग है। पे विथ मनी, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है खाने के लिए, हट। डिफेंस अपेल, फिश प्लेटर, चलो यही खाते हैं। उसके बाद एक एंशिएंट पोशन पी के निकल लेंगे, पी के नहीं खा के। चलो आज ब्रैकिडियोस मरेगा। चेंज इक्विपमेंट, सॉरी आइटम बॉक्स, मैनेज आइटम्स, सब कुछ कर लेता हूँ रीस्टॉक। रेशन की जगह ले लेता हूँ मैं एक एंशिएंट पोशन, नाइस। आज ब्रैकिडियोस मरेगा, एंशिएंट पोशन, बाइट ऑफ, नाइस। चलो चलते हैं, स्लिंगर एमो उठा लेता हूँ, चांसेस है कि क्या कहते हैं, चांसेस है कि वो फिर से नॉन एग्रो हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स है मेरे पास, वो पी लूंगा। रास्ता बंद है यहाँ से भाई, अगर रास्ता बंद है तो मैं जाऊँगा। अच्छा बहुत सही, बहुत सही डेवलपर्स, बहुत सही। एक और, भाई साहब, ओ यार मैं सही बता रहा यार, सबसे बेस्ट फाइट था ये अब तक का, जितने भी फाइट्स करे मैंने। राजांग का तो मेरे को सही में मजा आया, क्योंकि राजांग का इसके जैसे शिनैनिगंस नहीं थे, उसमें फेस टू फेस फाइटिंग थी। वो तो है, राजांग का फाइट मेरे को सबसे बेस्ट लगा यार अब तक का। उसके बाद मेरे को वेलकाना का लगा, और उसके बाद मेरे को रीजिंग ब्रैकी का लगा। क्यों? क्योंकि इसके फाइट में फालतू के शिनैनिगंस बहुत थे, कहीं भी मार रहा था, कहीं पर भी रैंडमली कुछ भी स्पॉन हो रहा है, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता। राजांग का फाइट सबसे बेस्ट था, फिर वेलकाना का, फिर ब्रैकिडियोस का। क्या फाइट था भाई, क्या फाइट था, बहुत सही। मैं इस आर्मर को सेव करने वाला हूँ एज अ क्या कहते हैं, रेजिंग ब्रैकिडियोस आर्मर, रेजिंग ब्रैकिडियोस नहीं, एंटी रेजिंग ब्रैकिडियोस आर्मर। क्या फाइट था यार, मजा आ गया। और दो तीन बार करनी है ये फाइट मेरे को, लेकिन सबसे पहले देखूंगा कि इसके क्या कहते हैं, इसके स्किल्स वगैरह क्या है, वो सब देखने हैं मुझे। होपफुली इसका जो आर्मर है वो वर्थ हिट हो इसके यार, अगर वर्थ हिट नहीं रहा ना, मैं बता रहा हूँ, क्या ही कर लूँगा, क्या ही बताऊँगा। खैर, फोर्ज इक्विपमेंट, आर्मर, एटलीस्ट एक पीस तो वर्थ हिट होना चाहिए। रेजिंग ब्रैकिडियोस, ओके, सिल्वर आर्मर है। वीकनेस एक्सप्लॉइट है, एजिटेटर है, एजिटेटर है, ओके, डबल एज, ओके, वर्थ हिट है। ट्रिपल एजिटेटर, वर्थ हिट है, सही बता रहा हूँ यार, वर्थ हिट है। वीकनेस एक्सप्लॉइट, पूरा डीपीएस आर्मर है, देख सकते हो। ब्रैकिडियोस विल रेजेस द मैक्सिमम लेवल ऑफ एजिटेटर स्किल, तो एजिटेटर स्किल यूजली जाता है लेवल 7 तक, ओके। एजिटेटर, एजिटेटर, वर्थ हिट है, सही बता रहा हूँ, वर्थ हिट है। लेकिन उसके लिए इसको और 4-5 बार हंट करना पड़ेगा। रीजिंग ब्रैकिडियोस अल्फा में देखते क्या है, वीकनेस एक्सप्लॉइट है, स्पीड शार्पनिंग है, एजिटेटर है, एजिटेटर है, ब्लास्ट अटैक है, ब्लास्ट अटैक, ओके। वेपन्स में देखते क्या है, चलो वेपन्स में जाऊंगा, लॉन्ग स्वॉर्ड में देखूंगा कहाँ है। ब्रैकिडियोस नहीं है, रेजिंग ब्रैकिडियोस यहाँ पर है, चलो देखते क्या है। इमोर्टल रिएक्टर, रेजिंग ब्रैकिडियोस का 990 डैमेज है, रॉ डैमेज। ब्लास्ट अटैक 270 है, और डबल स्लॉट से, वो भी तलवार पे। चलो लॉन्ग स्वॉर्ड तो अच्छा है, ग्रेट स्वॉर्ड देखते हैं। शार्पनेस मुझे अच्छी नहीं लगी उसकी,
लॉन्ग शॉट की, क्योंकि लॉन्ग शॉट बार बार अगर हिट करना है तो शार्पनेस ज़्यादा होनी चाहिए। ग्रेट शॉट अच्छा है, 1440 डैमेज है, 360 ब्लास्ट है, अफिनिटी जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमोर्टल रिएक्टर चाहिए इसके लिए। ओके, सबसे पहले तो मैं इस आर्मर को सेव कर रहा हूँ यार। चेंज इक्विपमेंट, इसको मैं करूँगा टेस्टिंग सेट, नहीं इसको मैं करूँगा एंटी रेजिंग ब्रैकिडियोस, एंटी आरबी, यही सही है। ओके, एक बार चलते हैं नानी के पास, देखते हैं ब्रैकिडियस का वो वाला पार्ट मिल सकता है कि नहीं यहाँ से। इमोर्टल रिएक्टर नाम था ना उसका, इमोर्टल रिएक्टर मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे मेल्डियार। बहुत सही है, बहुत ही ज़्यादा सही है। हंट मज़ेदार था, सब मज़ेदार था। चलो इनके पास ही पूछ लेते हैं बाउंटीज के लिए क्या चाहिए। इस बार लिमिटेड बाउंटीज में क्या कहते हैं, सेलेस्टियल प्रिंट है ही नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो यार इतना कुछ कर ही लिया है तो राजांग को बाद में हंट करते हैं, क्योंकि रेजिंग ब्रैकेडियोस के लिए आज के लिए थोड़ा जोश ज़्यादा हो गया मेरे लिए, मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन हंट मज़ेदार था, मारकर खुशी मिली, बहुत ही अनफेयर हंट था, लेकिन अनफेयर को अगर फेयरनेस से मार दिया जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। तो खैर यार, आज के लिए मैं एपिसोड यही ख़त्म करता हूँ। जानता हूँ आज का एपिसोड थोड़ा छोटा था, बट थोड़ा इंटेंस तो ज़रूर था। तो ठीक है, आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ तुमको एपिसोड पसंद आया होगा क्योंकि आज के एपिसोड में शायद पहली बार ट्रिपल काट हुआ मैं। तो यार वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर मॉन्स्टर हंटर के और कंटेंट देखना चाहते हो, और यार कमेंट में बताओ कि रेजिंग ब्रैकिडियोस कैसा लगा, उसका फाइट कैसा लगा तुम्हें, और मीन उसके उल्टे सीधे शिनानिगंस तुमको कैसे लगे। बिल्ले के लिए रास्ता छोड़ देता हूँ मैं, उसके उल्टे सीधे शिनानिगंस कैसे लगे। फाइट अनफेयर थी लेकिन फाइट मैंने जीती। तो ठीक है यार, इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ मैं, और मैं मिलूँगा तुमको अगले एपिसोड पे।